बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मेरा नाम साहिबुर्रहमान और मैं कराची एनए 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के एनए 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मते मुकाबले के उसके बाद जो रिजल्ट मौजूद है तो मैं अपनी हार भी तकलीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तकसीम तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरा शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और डकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतायन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर, कैंडिडेट पर, कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में दो नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया और कराची एनए 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की, जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद।